जय हिंद दोस्तों। चलिए, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल एग्जाम रोड पे। चलिए दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को आज हम बता दें कि आज क्लास 12th, कौन सा दोस्तों, क्लास 12th कक्षा 12 का बायोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों लाए हैं आप लोगों के सामने। आपके एग्जाम में दोस्तों एकदम छपने वाला है, जो आपके तीन तीन नंबर के एक एक क्वेश्चन। कितने नंबर के दोस्तों? तीन तीन नंबर के। कितने मार्क्स? 3 मार्क्स। आपके दोस्तों जितने थ्री थ्री नंबर के क्वेश्चन लघु उत्तरी आते हैं। कौन से क्वेश्चन? लघु उत्तरी क्वेश्चन दोस्तों, ये आपके एग्जाम में टोटल छपने वाला है। अगर आप लोग को दोस्तों इसका जो PDF चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखा है। चलिए दोस्तों, आज हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हम सॉल्व करते हैं। आरएनए, आरएनए कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? आरएनए का पहले हम फुल फॉर्म समझते हैं, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। क्या? राइबोज न्यूक्लिक एसिड दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप देख पा रहे होंगे कि 9, 10, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22 दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप देख पा रहे होंगे कि ये बहुत बार पूछा गया है और आपके एग्जाम में एकदम छपने वाला दोस्तों। एग्जाम की खोपड़ी में छेद ना कर दिया तो बताइएगा सर, आप क्या बोले थे। तो चलिए हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आरएनए का संश्लेषण केंद्रक में होता है, केवल कुछ आरएनए राइबोसोम्स में होता है, किंतु अधिकांश आरएनए कोशिका द्रव में स्वतंत्र पड़ा होता है, और आरएनए का प्रत्येक अणु सूत्रीय श्रृंखला का बना होता है। अर्थात आरएनए का प्रत्येक अणु एक सूत्री के साथ साथ पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बना होता है दोस्तों। पॉलीन्यूक्लियोटाइड का, और किसी का नहीं, जिसमें राइबोज, शर्करा, नाइट्रोजनी क्षार पाया जाता है दोस्तों। आपसे पूछेगा कि राइबोज में नाइट्रोजनी क्षार पाया जाता है, नहीं पाया जाता है? आपकी ऑब्जेक्टिव में दोस्तों पूछता है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको नोट करिएगा कि नाइट्रोजनी क्षार पाया जाता है, तो आप बोलेंगे आरएनए में, ठीक है। आगे चलते आरएनए के प्रकार। तो दोस्तों आरएनए हमारा तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? आरएनए हमारे तीन प्रकार के होते हैं। तो हम आपको बता दें, आरएनए का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है? राइबोज न्यूक्लिक एसिड। आरएनए हमारे दोस्तों तीन प्रकार के होते हैं। एक हमारा होता है एमआरएनए, दूसरा टीआरएनए, तीसरा आरएनए। दोस्तों जो हमारा एमआरएनए होता है, इसको हम मैसेंजर आरएनए बोलते हैं। जो हमारा टीआरएनए होता है, इसको हम ट्रांसफर आरएनए बोलते हैं। और जो हमारा आर होता है, इसको हम रिवर्स आरएनए बोलते हैं। एमआरएनए, टीआरएनए, आरएनए, इसको हम राइबोज आरएनए भी दोस्तों बोलते हैं। ये मैसेंजर मतलब मैसेज देता है, ट्री मतलब ट्रांसफर करेगा, आर मतलब राइबोज प्रोटीन बनाएगा दोस्तों। तो चलिए इसको हम अब एक्सप्लेन करते हैं। तो चलिए दोस्तों हम पढ़ते हैं, क्या एमआरएनए, जिसको हम मैसेंजर आरएनए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैसेंजर आरएनए दोस्तों। एमआरएनए का जो मुख्य काम होता है, आवश्यक एमिनो एसिड की पहचान करना दोस्तों। जो हमारे बॉडी में आवश्यक एमिनो एसिड होते हैं ना, उनको यह पहचान करने का काम करता है। अर्थात हमारे बॉडी के सेहत के लिए आवश्यक एमिनो एसिड कौन कौन से हैं, इसको यह पहचान करता है। तो दोस्तों अगर वहीं हम बात करें बी का, तो बी हमारा क्या है? टी आर एन ए मतलब ट्रांसफर आर एन ए। तो जो हमारा एम आर एन ए द्वारा जो आवश्यक एमिनो एसिड की पहचान की जाती है, उसे ट्रांसफर करने का काम टी आर एन ए करता है दोस्तों। एम आर एन ए के अकॉर्डिंग जो हमको एमिनो एसिड मिला है, उसी को टी आर एन ए ले जाने का काम करता है। क्या करता है? ले जाने का काम करता है। अब चलते हैं दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर सॉरी आंसर सी पे। तो हमारा सी क्या है? आरएनए, इसको बोलते हैं राइबोज आरएनए। तो दोस्तों हमारा जो आरएनए होता ना, आरएनए का मुख्य काम एमआरएनए द्वारा जो आवश्यक एमिनो एसिड प्राप्त हुआ है, उसकी सहायता से प्रोटीन का निर्माण करना दोस्तों। क्या? उसकी सहायता से प्रोटीन का निर्माण करना होता है। तो दोस्तों हम आपको जैसा कि बता दें, आपके एग्जाम में बहुत ये क्वेश्चन पूछता है कि क्या हम डीएनए से आरएनए बना सकते हैं? हाँ, हम डीएनए से आरएनए बना सकते हैं। क्या आरएनए से डीएनए बन सकता है? हाँ दोस्तों, बन सकता है। अगर हम बात करें डीएनए से आरएनए बनेगा, बिल्कुल बनेगा, लेकिन उसमें कुछ पड़ेगा? हाँ पड़ेगा। तो डीएनए से आरएनए बनाने में दोस्तों न्यूक्लिक, तो चलिए दोस्तों डीएनए से आरएनए बनाने में नाइट्रोजन बेस यूरेसिल की आवश्यकता होती है दोस्तों। किसकी और आवश्यकता होती है? नाइट्रोजन बेस यूरेसिल की। लेकिन अगर वहीं दोस्तों बात करें, तो हमारा आरएनए से अगर डीएनए बनेगा, तो नाइट्रोजन बेस थायमिन की आवश्यकता होती है दोस्तों। तो आप जानते होंगे कि जो हमारे यहाँ कोरोना की जाँच होती थी, वो RT-PCR होती थी, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता था। तो डीएनए से आरएनए, आरएनए से डीएनए, तो दोस्तों हमारे यहाँ डीएनए की ही जाँच हो पाती, आरएनए की नहीं हो पाती। इसलिए पहले हम डीएनए को आरएनए में कन्वर्ट करते थे, फिर आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करके हम कोरोना की जांच को बता देते थे, जिसका नाम आप बोलते थे RT-PCR, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ।
तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। अगर दोस्तों आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करें और वहां से पीडीएफ प्राप्त करें। तो चलिए दोस्तों, हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को पढ़ते हैं। समजातता और समवृत्तता में अंतर बताइए। दोस्तों समजातता देख पा रहे होंगे, इसमें ये खुद ही स्पष्ट कर रहा है कि किसको, समजातता मतलब समान जाति वाले को, और समवृत्तता में अंतर बताइए। दोस्तों तीन मार्क्स आपके ये कंफर्म है, तीन नंबर जो है आपका ये एकदम बहुत ही कंफर्म, आप इसको दोस्तों डरिएगा मत, आपके एग्जाम में कंफर्म आने वाला। आप देख पा रहे होंगे कि 18 17 19 20 21 22 दोस्तों हर बार ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए हम अब आगे चलते हैं, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों ये देखते हैं। जिसके अंग की संरचना मूलभूत से समान हो उसे हम समजात अंग या समजातता कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताएं दोस्तों, तो मनुष्य, चीता, व्हेल, चमगादड़, दोस्तों ये जो हमारे हम ह्यूमन हो गए, या तो टाइगर हो गया, व्हेल हो गए, ये चमगादड़, इन सबको आप देखेंगे इनका जो अंग होगा ना ये समान आपको दिखाएगा दिखेगा। लेकिन दोस्तों इसके जो कार्य होते हैं ये डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन हमको बस अंग से यहां मतलब है कि इनका जो अंग आपको दिखेगा ये समान दिखेगा। तो दोस्तों वही अगर हम बात करें तो हमारा क्या है कि इन इन सभी के अग्रपादों आगे में ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिस। दोस्तों अगर हम बात करें तो हमारे जो हाथ की हड्डियां होती हैं, या तो इन सबके जितने हाथ की हड्डियां होती हैं आप देखेंगे सभी सेम सेम होती हैं। जैसे हम लोग में होता है ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिस, दोस्तों ऐसे ही हमारे हड्डियां होती हैं, तो वैसे इसमें भी अस्थियां पाई जाती हैं। तो वही कह रहा है अस्थियां पाई जाती हैं, अर्थात इसी कारण इन सब का मूलभूत संरचना समान होता है, लेकिन इनके अलग अलग कार्यों के कारण ये अंग भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं। क्योंकि मनुष्य में अग्रपाद पकड़ने के लिए, चीता में दौड़ने के लिए, व्हेल में तैरने के लिए होता है। दोस्तों अगर हम अपनी बात करें तो मनुष्य जो होता है उसका जो अग्रपाद होता है मतलब आगे वाला जो सिस्टम होता है वो पकड़ने के लिए होता है, लेकिन अगर वहीं बात करें चीता में तो वो दौड़ने के लिए दोस्तों होता है, लेकिन अगर वहीं आप बात करेंगे व्हेल में तो व्हेल मछली होती है, वो तैरने के लिए काम करती है। तो हम आपको यहाँ भी लिख दिए हैं कि एच फॉर ह्यूमरस, के फॉर कार्पल, एम फॉर मेटाकार्पल, आर फॉर रेडियस, एफ आर अल्ना, एफ आर फ्लेंजिस। दोस्तों इसकी संख्या हमारी कितनी होती है, 14 होती, कितनी होती, 14। अगर दोस्तों आप सबको इसका वीडियो चाहिए कमेंट करिए, उसमें हम आपको बताएंगे कि इसमें क्या होता है, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, इसका हम एक्सप्लेन आपको कर देंगे वहां पे। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं अपने समवृत्तता पर। कहाँ चलते हैं, समवृत्तता पर। जिसके अंगों की संरचना मूल रूप से दिखने में समान हो उसे हम समरूपता कहते हैं या समवृत्तता कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कीट, पक्षी, ईटीसी, इन सभी के बाहरी आकार, इन सभी के बाहरी आकार एक जैसे अर्थात समान दिखाई देते हैं, इसलिए दोस्तों इनको हम क्या कहते हैं, समरूपता या समवृत्तता कहते हैं। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। दोस्तों मानव और कपि में अंतर बताइए। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपका हिस्ट्री में ये क्वेश्चन बनता है और ये क्वेश्चन आपके बायोलॉजी में भी बनते हैं, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट। दोनों के दोस्तों आप देखेंगे दोनों के रिस्पेक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनने वाला है, क्योंकि आपका ये आप देखेंगे तो सोशल साइंस में दोस्तों ये भी हिस्ट्री में भी आपका क्वेश्चन ये बन जाता है और ये आपके बायोलॉजी के क्वेश्चन भी बन जाते हैं। तो चलिए हम इसका देखते हैं कि इन दोनों में समानताएं क्या क्या हैं। अगर हम बात करें मानव के अग्रपाद छोटे छोटे होते हैं, मानव के अग्रपाद छोटे छोटे होते हैं। अगर बात करें अग्रपाद और पश्चपाद के कार्य भिन्न भिन्न होते हैं। मानव में मानव के दो पैर, मानव दो पैरों वाला होता है और इनकी जो भौहें होती हैं ये पतली और आंखों के पास में होती हैं। ये स्थलवासी होते हैं। इनमें जो क्रोमोजोम होता है दोस्तों जिसको गुणसूत्र बोलते हैं ये 46 होते हैं। हम लोग में 46 होते हैं। कितने होते हैं दोस्त, 46। और ये 46 आते कहाँ से हैं, 23 हमारे पिता से आते हैं और 23 हमारे माँ से आते हैं। दोनों मिलकर दोस्तों हमारा क्या बन जाता है, 46 क्रोमोजोम बन जाता है। दोस्तों हम इसको अगर आप इसका वीडियो चाहिए तो हम आपको अच्छे से बताएंगे कि कैसे जो किन्नर बनते हैं, तो जो हमारे मेल फीमेल बनते हैं ये कैसे बनते हैं, इसका हम आपको फर्टिलाइजेशन के चैप्टर में पढ़ाएंगे दोस्तों, अगर आप कमेंट करेंगे तब। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन आगे। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं कहाँ, कपि में। कपि मतलब बोले तो बंदर। कपि के अग्रपाद लंबे व घुटनों के नीचे तक होते हैं। कहाँ तक दोस्तों, अगर आप देखेंगे इनके जो अग्रपाद मतलब इनके हाथ वगैरह जो होते हैं ये बहुत लंबे लंबे होते हैं और घुटने तक इनके लटकते रहते हैं। और अगर बात करें दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, कपि के अग्रपाद और पश्चपाद का कार्य समान होता है। अगर आप देखेंगे इनका जो दोनों पैर होते हैं या दोनों हाथ होते हैं, इनका देखेंगे आप दोनों काम करते हैं, ये दौड़ने के लिए ही ये करते हैं। लेकिन अगर देखेंगे कपि में चार पैर होते, लेकिन आप देखे थे ह्यूमन में हमारे कितने पैर थे दोस्तों, इसमें ह्यूमन में दो ही पैर थे और दो हाथ थे। अब आगे चलते हैं।
इनका जो भौहें इनकी होती हैं दोस्तों, ये मोटी और आंखों से दूर होती हैं। अगर आप अच्छे से इनको ध्यान से देखेंगे, इनकी जो आंखें होती हैं या इनकी जो भौहें होती हैं, भौहें आंखों से बहुत दूरी पे होती हैं, मतलब ये बहुत मोटी होती हैं, और ये वृक्षाश्रयी होते हैं, मतलब ये वृक्ष पे रहने वाले होते हैं। और हमारा जो लास्ट टॉपिक था ये दोस्तों क्या था, इसमें 48 क्रोमोजोम पाए दोस्तों, हम आपको बताए थे इसमें 48 पाए जाते हैं, और जो हम ह्यूमन होते हैं उसमें कितने पाए जाते हैं दोस्तों, 23 पाए जाते हैं। कितने? 23+23, तो 23+23 दोस्तों हमारा क्या हो गया, 46 क्रोमोजोम पाए जाते हैं, जिसमें से दोस्तों हमारा 23 हमारे माता पिता से, माँ से मिलते हैं, और 23 हमारे पिता से मिलते हैं दोस्तों, टोटल मिलकर हमको 46 मिल जाते हैं। वैसे इनमें भी होता दोस्तों 48 क्रोमोजोम पाया जाता है। ठीक, आगे चलते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए दोस्तों, तो फिर से हम आपको कहते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।